उस मामला में कुछ जानते भी नहीं है, हम कहीं है भी नहीं, और आज भी हमारे पर इतना मामला डाला गया है, 4-5 मामला केस। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने के मामले में नामजद आरोपी बागमारा के भाजपा विधायक गुल्लू महतो ने 9 जनवरी को धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने गुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 1 माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। 1 माह की अवधि 10 जनवरी को पूरी हो रही थी, इसे 1 दिन पहले ही कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर धनबाद कोर्ट के सभी अधिवक्ता कलम बंद हड़ताल पर हैं। इसे देखते हुए गुल्लू महतो बिना अपने अधिवक्ता के ही आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक गुल्लू महतो समेत कांड के नामजद 5 आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 1.5 वर्ष की साधारण कारावास और 9,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी, जबकि नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपितों ने 4 नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट में 4 अपील दायर की थी। सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी। दुल्लू महतो समेत अन्य आरोपितों ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। आदेश दिया था न्यायालय का, सर्वोपरि हम मानते हैं, न्यायालय का आदेश हम पालन करते हैं। आज आप जो न्यायालय का आदेश था वो पेट में तो आप पहले से भी 10 साल 15 साल से ब्रोंकाइटिस का बीमारी है, उसके लिए हम इलाज कर, कल भी मेरा अचानक तबियत खराब हो गई, हमको रेफर कर दिया गया, फिर भी हम नहीं गए, मगर कोर्ट का हमको जो आदेश हुआ है उसका पालन करना है। न्यायालय पर कौन सा मामला था? ये मामला 2013 का मामला था, जबकि हम उस मामला में कुछ जानते भी नहीं है, हम कहीं है भी नहीं, और आज भी हमारे पर इतना मामला डाला गया है, 4-5 मामला केस सारा झूठा, इसका सीबीआई जांच के लिए हमने मांग किया था। 2019 में भी हमने कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए मांग किए थे, फिर अभी मांग किए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।